नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। आज परिवारिक सुलह केंद्र ओपन करने का ये मकसद है कि घर में किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ हम सब बैठकर आपस में उसका सलूशन निकालेंगे। और मुस्लिम में हमारे माननीय इंद्रेश जी के द्वारा आज ये यही कोशिश है कि हम सब यहाँ बैठकर एक अच्छी चीज को आगे करें और जो भी विवाद है किसी भी परिवारिक सुलह केंद्र को आज यहाँ हम खोल रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है कि घर में किसी भी तरह की किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ हम बैठकर यहाँ पे एक अच्छे से इसका सलूशन निकालते हैं। और माननीय इंद्रेश जी द्वारा हमने ये आज अपने घर में यहाँ पे उद्घाटन किया है तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर संचालित परिवार सुधार केंद्र को यहाँ खोलने का हमारे ये उद्देश्य है कि घर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ हम लोग बैठकर किसी भी जाति के होंगे तो हम लोग यहाँ पर बैठकर उसका एक सलूशन निकालते हैं। और एक परिवार सुलह केंद्र के हिसाब से हम लोग अच्छे से इसका एक लड़ाई झगड़ा हटाते हुए सब कुछ अच्छे से करके दो पक्षों को मिलाएंगे। ये हमारा आज खोलने का उद्देश्य है। मेरा नाम सदा पालम है। मुस्लिम राष्ट्र मंच परिवार सुलह केंद्र के मैं संयोजिका पद पर हूँ। आज ये किस तरह का आप लोगों ने सुलह केंद्र खोला है? मैंने आज ये इस तरह का सुलह केंद्र खोला है कि आज हर घर में किसी न किसी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको बैठकर हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से सुनते समझते हैं और उसका एक रास्ता निकाल के दो परिवारों को मिला देते हैं। ये परिवार सुलह केंद्र में कौन कौन लोग हैं और किसके निर्देशित पे ये किया गया है और किसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कौन क्या है? जी, मैंने ये परिवार सुलह केंद्र माननीय इंद्रेश कुमार जी के आज्ञा अनुसार और स्वामी मुरारी दास जी के अनुसार और हमारी बड़ी बहन डॉक्टर शबाना आजमी और हमारी बड़ी बहन रिश्मा हुसैन उनके आदेश अनुसार मैंने ये अपने घर पे परिवार सुलह केंद्र आज खोला है। ये खोलने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल्य हमारा उद्देश्य यही था कि हम सिर्फ ये उद्देश्य से खोलना चाहेंगे कि भाई आज हर घर में किसी न किसी बात को लेकर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको अच्छे से बैठकर उसका सलूशन निकाल के दो पक्षों को मिला देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का होगा। उसके लिए हमारे लिए परिवार सुलह केंद्र खुला हुआ। आप जाति धर्म की बात कर रही हैं और वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गंगा जमुनी तहजीब पे यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहन, हिंदू मुसलमान बहन है, आज हम सब मिलकर एक सारा त्यौहार साथ मनाते करते हैं तो इसीलिए हम लोग में जाति धर्म का ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक।